महाराज, मंच पर उपस्थित मुनिगण, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय और दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नंदू भैया जी, मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया जी, बहन सुधा मलैया कर्णावती से अहमदाबाद से यहाँ आए हुए हैं, वहाँ के प्रथम नागरिक मेयर श्रीमान गौतम शाह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी और आज विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए और इस धर्मसभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, जब जयंत जी निमंत्रण देने आए थे तब 9 तारीख तक का कार्यक्रम था और मेरा जाना संभव नहीं, यहाँ आना संभव नहीं था। कुछ पहले से ही कार्यक्रम तय हो चुके थे, बदल भी नहीं कर सकते थे, तो दिल में थोड़ी कसक थी, मगर शायद आचार्य भगवान जी ने ही चाहा होगा कि मैं यहाँ हूँ, तो कार्यक्रम पूरा आगे बढ़ गया। और जब उनका दूसरी बार फोन आया तब मैंने कहा मैं निश्चित ही आऊँगा, क्योंकि पहले भी एक बार जबलपुर में आचार्य भगवान के सानिध्य में लगभग 1.5 दिन रहने का मुझे मौका मिला था। और आज जब इतना बड़ा कार्यक्रम इस पुण्य भूमि पर हो रहा हो, इस वक्त समिति ने मुझे निमंत्रण दिया है तो मुझे जाना ही चाहिए। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। मित्रों, आज देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो सरकार मानती है कि देश के हर व्यक्ति तक सुख पहुंचना चाहिए, व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, चाहे वो गांव हो, चाहे छोटा सा कस्बा हो, चाहे शहर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे छोटी सी छोटी झुग्गी झोंपड़ी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने का संकल्प करकर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में चल रही है। मगर साथ में ये सरकार ये भी मानती है कि इतना सारा भौतिक विकास होने के बाद भारत की आध्यात्मिक ऊंचाई अगर 1 इंच भी कम होती है तो भौतिक विकास के कोई मायने नहीं रह जाते, ये भी हम मानते हैं। क्योंकि कई सालों से कोई इतिहासकार इसका काल गणना भी नहीं कर पाया, कई सालों से ये देश के अंदर कई प्रकार के मत, कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के धर्म बने, पल्लवित हुए, उनका संरक्षण भी हुआ, संवर्धन भी हुआ। सनातन धर्म हो या श्रवण परंपरा के दो धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म हो, सिख मत भी खड़ा हुआ, बहुत सारे विचार इस भूमि पर जन्म लिए, पले बढ़े और कई सारे आचार्यों ने, कई सारे संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए दुनिया में से भारत के अंदर सुख तो आ सकता है, मगर दुनिया, जब पूरी दुनिया समस्याओं से ग्रस्त है और भी ग्रस्त होने की दिशा में है, उस वक्त आध्यात्म की शांति तो हिंदुस्तान ही दुनिया को दे सकता है, भारत ही दे सकता है। और इसीलिए सरकार ने केवल भौतिक विकास को अपना लक्ष्य नहीं रखा है, कई सारे ऐसे परिवर्तन, बहुत सारी चर्चा करे बगैर, शोर शराबा करे बगैर धीरे धीरे करने का प्रयास भी हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है, अनेक प्रकार की चीजों को सबको साथ में रखकर करना पड़ता है, शायद गति कम भी है, समस्या जितनी गहरी है उसे
इसके निवारण की गति कम भी हो सकती है, मगर दिशा सही है, इतना कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। आज यहाँ आने से पहले बड़े बाबा के दर्शन के लिए गए थे, बाद में आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए भी गए, उनके साथ बैठना भी हुआ। बहुत सारी बातें हुई है, शिवराज जी ने कुछ बातें बताई भी है, मगर उनके चरणों के सामने जब बैठे थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया है, तब ये बात समझ में आ गई कि कोई संत किस तरह से बात कर सकता है। पूरी पूरी लगभग 35 मिनट 45 मिनट की बात के अंदर ना धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए कुछ था, ना मंदिर के लिए कुछ था, ना संघ के लिए कुछ था, ना व्यक्तिगत कुछ था, ना मुनियों के लिए कुछ था। पूरी 45 मिनट की बात केवल और केवल समाज और देश की चिंता और चिंतन कर रहा है। संत का जीवन कैसे हो सकता है, संत कैसे सोच सकते हैं, उसका एक बहुत उत्कृष्ट अनुभव आज मैं मेरे जीवन में यहां से लेकर चला। पहले तो मैं एक समस्या के निवारण के लिए आया था, और आचार्य भगवान ने बहुत सरलता के साथ 2-5 मिनट में ही इसका निवारण करके मुझे चिंता से मुक्त कर दिया था। मगर आज मैं सिर्फ दर्शन के लिए आया था, और चूंकि मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस पार्टी का देश में शासन है, उस पार्टी की देश में 15 राज्य सरकारें हैं, केंद्र में पूर्ण बहुमत, देश को किस दिशा में ले जाना वो पार्टी की नीतियों के आधार पर ये पार्टी तय कर सके, इतनी संतों के आशीर्वाद से क्षमता आज भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है। तो उन्होंने कुछ बातें मेरे और शिवराज जी के सामने रखी। मैं पूज्य विद्यासागर महाराज जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी अपेक्षा है, शायद इतना हम न कर पाए, मगर इतना मैं निश्चित सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ नहीं कहा था, कि हमारी दिशा वही है जो आपका मार्गदर्शन है, दिशा में गलती नहीं। गति बढ़ाने की बात और उसको और गंतव्य की ओर कार्यक्रम बनाकर ले जाने की बात, ये दो बात चुकी है। आज आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें कुछ बातें भी बताई है, जैसे मैंने कहा वो देश के लिए और दुनिया के लिए भी, देश और दुनिया के लिए ही आपने बताया है, वो सारी बातों को हम कैसे आगे बढ़ा पाए इसके लिए पार्टी और सरकार दोनों के अंदर इस बात को मैं रखूंगा और एक मत बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का हम प्रयास भी करेंगे। आज एक बहुत बड़ा तीर्थ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ बन पाया है। तो शायद हमारे ऋषियों मुनियों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिवरियों ने अगर तीर्थ न बनाए होते तो देश कब का भटक गया होता और रास्ता भी न मारे। हमारी मूल बातों को, हमारे मूल सत्व को, हमारे मूल सिद्धांतों को, हमारे मूल जीवन जीने के जो सिद्धांत है उसको तीर्थों ने बनाकर रखा है। तीर्थ संतों को आश्रय भी देते हैं और तीर्थ संसारियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। आज एक तीर्थ यहाँ पर बहुत बड़ा बना है, मुझे बहुत आनंद है कि इस पुण्य कर्म के अंदर समिति ने मुझे आमंत्रित कर इसमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया, और मैं अपने आप को 7 अर्थ में, सुधा जी तो संचालन बहुत अच्छा करती है, मगर मैं हृदय से कहता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि आज विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में खड़ा रहकर इस तीर्थ के और बड़े बाबा के मैं दर्शन कर पाया हूँ। फिर से एक बार विद्यासागर जी महाराज और सभी मुनिवरियों को श्री चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की।